हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर फाइंड द एरिया ऑफ अर ट्राइंगल हुज़ बेस इज़ फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ अर ट्राएंगल जिसका बेस गिवन है बेस होता है जिसपे ट्राइंगल बना हुआ होता है दैट इज़ अ फिफ्टीन सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या होता है सामने वाला जो वर्टेक्स है उसका ऑपोजिट जो लाइन है उसके ऊपर 90 डिग्री का जो एंगल बनता है लाइन बनती है उसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड तो इसमें एल्टीट्यूड क्या हुआ दिस वन सो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 12.6 सेंटीमीटर तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या गिवन है बेस इज गिवन फिफ्टीन सेंटीमीटर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है सो एरिया होता है ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है आप इसको लर्न कर लो जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है हाफ इंटू बेस क्या है फिफ्टीन सेंटीमीटर एल्टीट्यूड इज ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर अब इसको कट करेंगे टू के टेबल से तो क्या आएगा सिक्स पॉइंट थ्री तो फिफ्टीन को सिक्स पॉइंट थ्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नाइंटी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर वन चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रीलेटरल इज फोर्टी एट सेंटीमीटर इन लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द पर पेंडिक्युलर टू इट फ्रॉम इट्स ऑपोजिट वर्ट इस आर फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर एंड एट पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर एक क्वाड्रिलेटर है क्वाड्रिलेटर क्या होता है जो कि फोर साइटेड फिगर होती है ठीक है सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी ठीक है और डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर क्या होता है क्वाडिलेटर का जो डायगनल होता है वो क्या होता है ऑपोजिट वर्टिसिस को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं हम डायगनल और उसकी लेंथ कितनी गिवन है फोर्टी एट सेंटीमीटर ठीक है एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस अब इसके ऑपोजिट वर्टिसेस क्या है डी और एक और ऑपोजिट वर्टिसेस है बी उससे इस ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर लगाया गया है परपेंडिकुलर मतलब नाइन्टी डिग्री इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है नाइन्टी डिग्री पे ठीक है और उनकी लेंथ कितनी है एक की है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर और दूसरे की है एट पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर फाइन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइन करना है ठीक है सबसे पहले हम इसको छुपा लेते हैं अब आप देखोगे ए बी सी क्या बन गया एक ट्राइंगल बन गया सिमिलरली अगर हम इसको छुपा लेते हैं तो क्या आ गया ए सी डी क्या बन गया एक ट्राइंगल बन गया सो so, हम क्या करेंगे अलग अलग से इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा राइट right? सिंपल है ना सबसे पहले हम लिखते हैं ए सी ए सी की वैल्यू कितनी है फोर्टी एट सेंटीमीटर एल्टीट्यूड वन कितने का है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर एल्टीट्यूड टू कितना है एट पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर राइट नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी इस ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी सी की एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस एल्टीट्यूड वन ठीक है तो क्या है हाफ बेस क्या है हमारा ए सी जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है दैट इज अ फोर्टी एट और एल्टीट्यूड वन क्या है फोर पॉइंट एट तो इसको कट करेंगे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को जब फोर पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है नाउ अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं ए सी डी इन ट्राइंगल ए सी डी इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट टू सो हाफ के प्लेस पर हाफ बेस कितना है ए सी दैट इज अ फोर्टी एट एल्टीट्यूड क्या है एट पॉइंट सिक्स अब अगेन इसको कट करके सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फोर तो जब ट्वेंटी फोर को एट पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टू हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो अब का एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया प्लस इसका एरिया नाउ एरिया ऑफ सी डी किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ सी डी सो so, इसका कितना आया था हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट टू इसका कितना है टू जीरो सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट फोर तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा थ्री ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू जस्ट आपको क्वाड्रिलेटरल है उसमें डायग्नल आपको गिवन है तो आप उसको बेस बना के इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लोगे इसका आप फाइन कर लोगे दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका ये सम सॉल्व हो जाएगा ठीक है सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर टू नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री द एरिया ऑफ अर ट्रायंगल इज़ वन ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमें गिवन है ट्रायंगल का वन ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज एटीन सेंटीमीटर और बेस की लेंथ हमें गिवन है एटीन सेंटीमीटर फाइंड द एल्टीट्यूड और इसकी जो एल्टीट्यूड जो नाइन्टी डिग्री पे होगा वो हमें उसकी लेंथ जो है हमें फाइंड करनी है ठीक है सो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड सो एरिया का वैल्यू पुट कर दी वन ट्वेंटी सिक्स हाफ अपनी प्लेस पर है बेस की जगह हमने बेस की वैल्यू पुट कर दी एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है राइट right? सो so पहले इसको कट कर देते हैं नाइन टाइम्स जाएगा सो so एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स नाइन इसके मल्टीप्लीकेशन में तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा तो so जब डिवाइड करेंगे तो आएगा वन नाइन फोर दे फोर एल्टीट्यूड आ गया हमारा ना फोर्टीन सेंटीमीटर ठीक है सो अगर आपको जस्ट ये फार्मूला याद रखना है एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड अगर एरिया फाइन करना है बेस एंड एल्टीट्यूड गिवन है तो आप फाइन कर सकते हो और अगर एरिया एंड बेस गिवन है तो आप एल्टीट्यूड फाइन कर सकते हो एरिया एंड एल्टीट्यूड गिवन है तो आप बेस फाइंड कर सकते हो ठीक है इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला लर्न होगा तो आप कुछ भी इसमें से वैल्यू फाइंड कर सकते हो ठीक है सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर थ्री लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आपको ये गिवें हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल गिवन है इसमें आपको इसका एरिया फाइंड करना है देखो हमें ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए होता है एक बेस चाहिए होता है एक एल्टीट्यूड चाहिए होता है इसमें हमें बेस दिख रहा है इसमें भी हमें बेस दिख रहा है जिसके ऊपर ट्राइंगल बना है इस पर भी हमें बेस दिख रहा है एल्टीट्यूड क्या होता है जो नाइन्टी डिग्री पे एंगल बनाता है दैट इज़ अ एल्टीट्यूड ऑन अ बेस तो इसमें क्या है ई डी एल्टीट्यूड है ये लेंथ की है इसमें ये क्या है दिस इज़ अ ऑप्ट्यूज ट्राइंगल ऑप्ट्यूज क्या ट्राइंगल होता है जो कि नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल होता है जिसमें तो उसमें तो क्या है कि नाइन्टी डिग्री पे बना होना चाहिए तो इसकी हाइट क्या है पी है ना मैक्सिमम तो वहाँ से नाइन्टी डिग्री का एंगल हमने बनाया और इसकी वैल्यू गिवन है फाइव सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज होता है जो एंगल के सामने का सॉरी इट्स नॉट अ हाइपोटेन्यूज इट्स अ साइड ऑफ अ एंगल सो ये क्या है थर्टीन सेंटीमीटर तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में भी हमें बेस चाहिए और एक उसकी हाइट चाहिए इस हाइपोटेन्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सो हाफ बेस कितना है थर्टीन सेंटीमीटर हाइट कितनी है ट्वेल्व सेंटीमीटर तो इसको कट किया टू वन जो टू टू सिक्स आर ट्वेल्व थर्टीन सिक्स आर सेवेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर राइट अब इसमें हम फाइंड करेंगे इसमें भी ए फॉर्मूला सेम लगेगा तो क्या होगा हाफ इंटू बेस क्या है टेन सेंटीमीटर हाइट इज फाइव सेंटीमीटर इसको कट किया टू वन जर टू टू फाइव टेन सो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है इसी तरीके से थर्ड हम फाइंड करते हैं थर्ड में भी क्या होगा हाफ इंटू बेस इज़ फोर हाइट इज थ्री सो डिवाइड किया तो टू थ्री इंटू टू सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो जस्ट ये आपको प्रैक्टिस कराने के लिए क्या था कि बेस कौन सा लेना है और आपको हाइट कौन सा लेनी है अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आपसे पूछे गए हैं ठीक है सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर फोर लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द एल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग एरिया सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर आर इन अवेंटी फाइव इज टू थ्री फाइंड एल्टीट्यूड एंड बेस एक ट्राइंगल है जिसका एरिया गिवन है ठीक है एरिया लिख लेते हैं सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो एल्टीट्यूड है और जो बेस है ना उनका रेशियो गिवन है ट्वेंटी फाइव इज टू थ्री देखो सबसे पहले एल्टीट्यूड लिखा है तो जो रेशियो है ना वो भी उसी का ही होगा पीछे लिखा है बेस तो जो थ्री है ये होगा बेस का रेशियो तो हम क्या लगा लेते हैं जब भी कोई रेशियो होता है ना तो उसके साथ हम एक्स लगा देते हैं सो लेट द एल्टीट्यूड बी ट्वेल्व एक्स ट्वेंटी फाइव एक्स एंड द बेस बी थ्री एक्स ठीक है तो हमारा बेस क्या हो गया थ्री एक्स हो गया और जो इसका एल्टीट्यूड है वो ट्वेंटी फाइव एक्स हो गया तो जस्ट हम एक्स की वैल्यू फाइन कर लेते हैं फॉर्मूला में रख के तो हमें उसका एल्टीट्यूड एंड बेस आ जाएगा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट सो हाफ एरिया तो गिवन है इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने सिक्स हंड्रेड बेस है हमारे पास थ्री एक्स एंड एल्टीट्यूड इज ट्वेंटी फाइव एक्स ठीक है तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अब क्या करते हैं एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं देट इज अ सेवेंटी फाइव एक्स एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो आ गया सेवेंटी फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड ठीक है अब क्या होगा हमें एक्स को अकेला करना है एक्स को एक तरफ करना है तो टू को मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और सेवेंटी फाइव को नीचे मूव करेंगे इधर मल्टीप्लाई में तो लेफ़्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा डिवीजन में अब इसको सॉल्व करते हैं फाइव के टेबल से फाइव वन से फाइव फाइव टू ज़ार टेन ज़ीरो फाइव वन ज़ार फाइव फिफ्टीन अगेन फाइव के टेबल से थ्री फाइव टू ज़ार टेन ट्वेंटी फोर अगेन ये थ्री के टेबल से जाएगा थ्री वन ज़ार थ्री एट ज़ार ठीक है सो एट टू ज़ार सिक्सटीन अब हमारा एक्स स्क्वायर आ गया सिक्सटीन बट हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए सो so, जब एक तरफ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ लग जाता है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट का मतलब होता है हमें सिक्सटीन को ऐसे नंबर में डिवाइड करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके सिक्सटीन आता हो और हमें पता है वो कैसे आता है फोर इंटू फोर 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 जार सिक्सटीन ठीक है अब इसका स्क्वायर रूट हटाना होता है तो हम पेयर में से एक बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा बेस क्या था थ्री एक्स तो क्या हो गया थ्री इंटू फोर क्या आ गई वैल्यू हमारी फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है और इसी तरीके से हमारा जो हाइट है वो क्या थी ट्वेंटी फाइव एक्स तो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर आ गया हमारे पास हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं जब भी आपको रेशियो में कोई वैल्यू गिवन होती है हम एक्स मान लेते हैं उसके साथ में फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करके तो गिवन आपको एल्टीट्यूड एंड बेस की वैल्यू फाइंड हो जाते हैं ठीक है सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर फाइव If you like my work please subscribe my channel and share with your friends thank you